टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, मतलब दिल के सीधा, मतलब दिल से एकदम सीधा। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 99, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक? जब भी आप सोचते होंगे कि अर्थ कैसे दिखती होगी, उसका शेप कैसा होगा, मेक अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोट बुक। अर्थ मतलब पृथ्वी की ड्राइंग, हमें उसको ड्रॉ करना है नोटबुक के अंदर, जैसा भी आपको दिमाग में आए वैसा। ऑन योर ड्रॉइंग शो वेयर यू आर, पृथ्वी का ग्लोब मतलब पृथ्वी ड्रॉ करके आपको अपना प्लेस दिखाना है कि इस पृथ्वी के अंदर आप कौन सी जगह पर खड़े हो। टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्रॉइंग्स टू, आपके दोस्तों को भी आपको साथ में बोलना है कि वो भी ग्लोब ड्रॉ करे, मतलब पृथ्वी ड्रॉ करे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अवर अर्थ रियली लाइक, हमारी जो पृथ्वी है अर्थ है वो लुक में मतलब दिखाओ में कैसे है, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो इसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक तो है उजेरा और दूसरा है सभी, जो पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पिक्चर में भी बताया है उजेरा करके लड़की है और समीर करके लड़का है, और बीच में उनके क्या है अर्थ ग्लोब मतलब पृथ्वी का गोला। उजेरा एंड समीर आर प्लेइंग विद द ग्लोब, उजेरा एंड समीर किससे खेल रहे थे, तो ग्लोब मतलब पृथ्वी के गोले से। व्हाइल दे प्ले दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, जब वो खेल रहे थे तब आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। सबसे पहले उजेरा क्या बोलती है, डू यू नो दैट सुनीता विलियम इज विजिटिंग अवर स्कूल टुमारो। उजेरा ने समीर को क्या बोला, क्या तुम्हें पता है कि कल हमारे स्कूल में कौन आने वाला है, तो सुनीता विलियम। आई हैव हियर दैट शी हैज स्पेंड मोर देन 6 मंथ इन स्पेस। सो उजेरा ने क्या बोला कि मैंने सुनीता विलियम के बारे में सुना है कि उसने स्पेस के अंदर, स्पेस मतलब यानी कि आकाश मंडल में उसने कितने दिन गुजारे हैं, कितने महीने गुजारे हैं, तो 6 महीने से भी ज़्यादा उसने स्पेस में दिन गुजारे हैं। तो ये बात सुन के समीर क्या बोलता है, लुकिंग एट द ग्लोब वो पृथ्वी के गोले को देख के बोलता है हाँ लुक हियर इज अमेरिका, उसको पृथ्वी के गोले के अंदर क्या दिखा, अमेरिका, अफ्रीका भी दिखा। हे वेयर इज स्पेस, लेकिन समीर पूछता है कि स्पेस आकाश कहाँ है, तो उजेला क्या बोलती है, द स्काई स्टार्स सन एंड मून दे ऑल आर इन द स्पेस, जो सूर्य है तारे है चंद्र है और पूरा आकाश है उसको क्या बोलते हैं हम स्पेस। हम लोग देखते हैं कि सूरज निकलता है तो वो कहाँ से निकलता है, आकाश में से निकलता है। रात को तो हम लोग तारे और चांद देखते हैं, वो भी आकाश में ही देखने को मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम स्पेस। उसके बाद समीरा क्या बोलती है, यस आई नो, सॉरी समीर बोलता है यस आई नो, हाँ मुझे पता है। सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेस शिप, उसने बोला कि सुनीता विलियम जो एक साइंटिस्ट है वो स्पेस शिप के अंदर बैठ के स्पेस में गई थी। तो स्पेस शिप क्या होता है, तो एक तरह का साधन है जिसमें बैठ के लोग आकाश में सफर कर सकते हैं। आई सो ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर, सुनीता विलियम के बारे में समीर ने टीवी में कुछ देखा था कि वो स्पेस शिप के अंदर बैठ के आकाश में उड़ी थी। तो उजेरा क्या बोलती है, यस हाँ फ्रॉम देयर द अर्थ लुक्ड लाइक दिस ग्लोब, जब वो स्पेस शिप में बैठ के ऊपर उड़ते हैं तब वो पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं और वो कैसी लगती है, एक गोले की तरह गोल। समीर इफ अवर अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब देन वेयर वी आर, समीर पूछता है कि हमारी अर्थ इस गोले की तरह इस ग्लोब की तरह है तो इस ग्लोब के अंदर हम लोग कहाँ है, हमारा प्लेस कहाँ है। तो उजेरा क्या बोलती है, हियर वी आर दिस इज इंडिया, यहाँ पे हमें दिखाया है कि उजेरा है वो समीर को दिखा रही है कि ये इंडिया है और इस इंडिया के अंदर हम लोग रहते हैं, इंडिया मतलब हमारा देश भारत। समीर इफ वी वेर हियर लाइक दिस वी वुड ऑल फेल ऑफ, अगर हम ऊपर ही रहते हैं तो क्या हम गिर नहीं जाएंगे,
अंदर हम रहते हैं, इसलिए हम गिरते नहीं हैं। उसे क्या क्या बोलती है, इफ वी आर इनसाइड देन वेयर इज द स्काई द सन एंड द मून एंड स्टार्स। उसे क्या ने बोला कि अगर हम गोले के अंदर रहते हैं तो जो चांद है, सूरज है, तारे हैं, वो सब कहाँ है। वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब एंड ऑल द सीज एंड ओशियंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब। हम सारे पृथ्वी के गोले पे ऊपर ही रहते हैं और जो समुद्र है, खाई है, ओशियंस मतलब बड़ी बड़ी खाई, पर्वत है, वो सब भी पृथ्वी के गोले के ऊपर ही है। समीर यू मीन टू से दैट नो वन स्टे हियर। समीर ने क्या बोला कि यू मीन टू से दैट नो वन स्टे हियर, क्या यहाँ पे कोई नहीं रह सकता। उजैरा पीपल लिव हियर टू, पृथ्वी के गोले के ऊपर कौन कौन रहता है, पीपल मतलब इंसान। ब्राजील एंड अर्जेंटीना आर हियर, इंडिया तो देख लिया लेकिन इंडिया के बाद में उन्होंने दो दूसरे देश देखे थे और वो कौन से थे, तो ब्राजील और अर्जेंटीना। समीर आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, व्हाई डोंट दिस पीपल फॉल ऑफ। तो उसे क्या बोलती है, इट लुक्स स्ट्रेंज इजंट इट, and this blue part must be the sea, why don't the sea water fall off। समीर बोला कि सब लोग अगर पृथ्वी के गोले के ऊपर ही रहते हैं, ये जो धारी दिख रही है वो वहां पे ही रहते हैं, तो फिर लोग गिर क्यों नहीं जाते। तो फिर उसे भी बोलती है कि हाँ ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती, तो ये जो हमारा ग्लोब है उसके ऊपर हमें सारा ब्लू ब्लू दिख रहा है, तो वो ब्लू क्या है, तो वो है सी मतलब दरिया पानी। तो ये जो नदी पानी है वो भी ऊपर ही है, तो क्या ये भी नहीं गिर जाता होगा। दोनों को आपस में क्वेश्चन हो रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक में है टॉपिक विद सुनीता, ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।